जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम वापसी के दिन सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट के बाहर 100 मीटर पर बैरिकेडिंग की गई है और सभी व्यक्तियों की वीडियोग्राफी की जा रही है तथा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि एक कंपनी पीएससी भी लगाया गया है, जिससे एक प्लाटून बैरियर पर और एक प्लाटून रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा जनपद पुलिस व सीओ की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, पहले वाली तैयारी हमने कंटिन्यू की है। यहाँ पे 100 मीटर और 500 मीटर पे डबल एयर की बैरिकेडिंग की है, ड्यूटियाँ लगी हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पीएससी भी डिप्लॉय की गई है, तो ये सारी तैयारियाँ हमने की है। यहाँ पर देखिए अलग अलग फोर्स लगाई है, जैसे एक कंपनी पीएससी जो है हमने यहाँ पर रखी है, इसमें एक एक प्लाटून हमने अलग अलग बैरियर्स पर रखे हैं, एक प्लाटून रिजर्व में रखा है। इसके अतिरिक्त सिविल पुलिस भी लगाई गई है, सीओ लगे हैं, आप सीओ कैंपरगंज लगे हैं, सीओ कोतवाली लगे हैं और जो सीओ अंडर ट्रेनी है वो भी लगाई गई हैं। आप इनके साथ जो फोर्स है वो भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है।